नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर के एक निजी कॉलेज के कई छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस को लेकर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि प्रबंधन द्वारा फीस के मामले मनमानी की जा रही है और सरकार ने कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उनसे पूरे साल की बिल्डिंग एग्जाम आदि की फीस के दबाव बना रहा है। इनकार करने पर छात्रों को डंडे मारकर कॉलेज से बाहर निकाल रहा है और छात्रों ने प्रदर्शन के बाद इस बाबत एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। एडमिशन फीस भी है, जबकि प्रैक्टिकल की फीस अलग से ली जा रही है। फाइल 150 रुपए की अलग, 200 रुपए अलग। मंथली कोई चार्ज नहीं है, पता नहीं मंथली का कोई कुछ नहीं पता कितने चार्ज है, ना रसीद काटी जा रही है। डायरेक्ट लिख दे 9,050 रुपए, ने किस्तों में जमा कर दो। आगे चलते हैं, हमसे बिल्डिंग फीस भी वसूली जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फीस भी वसूली जा रही है, जबकि सरकार ने कहा था बिल्डिंग फीस अलाउ नहीं होगी, ओनली ट्यूशन फीस अलाउ होगी। फिर क्या हुआ? क्या प्रैक्टिकल हुआ? प्रैक्टिकल फीस भी अलग से ली जा रही है, 200 रुपए अलग से दो प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकल फाइल अलग से दो। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो हमें डंडे मारकर बाहर निकाल दिया गया स्कूल से। हमें स्कूल से डंडे मारकर बाहर निकाल दिया गया। हमें हम ये सारे बच्चे यहाँ पर आईजीएम साहब के पास आए हैं कि हमारी यहाँ बात रखी जाए। क्या वजह रही, क्यों पिटाई की आपकी? हमें ये पिटाई की कि 200 रुपए फाइल के मांग रहे थे और क्या 150 रुपए प्रैक्टिकल के मांग रहे थे, इसलिए हमें डंडे मारकर बाहर निकाल दिया गया स्कूल से सब बच्चों को। फीस